सो फ्रेंड्स, कोई भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए आपको सबसे पहले ग्रिड सप्लाई की जरूरत होती है। तो यहाँ पे हमने मीटर के थ्रू एक RCC MCB का यूज़ किया है और यहाँ से हमने सीधा फेस को लेके अपने स्विच बोर्ड पे ले आए हैं और यहाँ से हमने और ऊपर साइड में भी हम यहाँ पे 12 मॉड्यूल का जो है अपने प्लेट है स्विच बोर्ड यहाँ पे हम कनेक्ट करने वाले हैं और साथ में हमने यहाँ पे एक छोटा सा 6 एम्पीयर के सॉकेट में भी फेस हमने प्रोवाइड कर दिया। ठीक, अब पहले स्विच से हम यहाँ पे लाइट को कंट्रोल करेंगे, उसके बाद हमने MCB से ही न्यूट्रल को उठा के और ले जाएंगे अपने लाइटिंग तक। तो अब यहाँ से हम ले जा रहे हैं दीवार वॉल के थ्रू और यहाँ पे हमने लाइट पे कनेक्ट कर दिया। ठीक, अब यहीं से हम क्या करेंगे, एक पॉइंट को उठा के अपने एक सॉकेट में प्रोवाइड कर देंगे। ये सॉकेट मैंने किसके लिए लगाई ये मैं आगे बताऊंगा आपको वीडियो पे। और यहीं से हमने एक टैपिंग लेके अपने फैन को कनेक्ट कर देंगे और फैन बैक से हम जितने भी ऊपर सीलिंग पे लाइट होगी उसको सारे को न्यूट्रल यहीं से प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद सिंपली यहाँ से ले जाके हम अपनी जो भी अदर वॉल्स में जो हमारी लाइटिंग है वहाँ पे भी हम न्यूट्रल को प्रोवाइड करा देंगे। तो यहाँ पे आप नीचे बटन साइड में एक चीज़ आप यूनिक सा देख रहे होंगे, ये एक्चुअल में ये भी एक नाइट लैंप है जो रात में आपको काफ़ी मदद करती है। ठीक, अब यहाँ पे देख रहे होंगे पहले स्विच से हमने फेस कनेक्ट करके और यहाँ पे हमने नाइट लैंप पे कनेक्ट कर दिया। दूसरी स्विच से हम ले जाके अपने वॉल वाली जो नाइट लैंप है यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे इसको। तीसरी स्विच से क्या करेंगे, हम अपनी जो यहाँ पे जो झूमर्स है झूमर्स पे हम इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक, तो यहाँ से हमने अभी इस वाले झूमर्स को कनेक्ट कर दिए हैं, अब एक ही स्विच से हम दोनों झूमर को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैंने टेपिंग ले ली है और इस वाले झूमर को भी फेस सप्लाई हमने प्रोवाइड कर दी है। उसके बाद हम यहाँ पे अब इन्वर्टर कनेक्शन के ऊपर बताने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इन्वर्टर और बैटरी ले ली है, उसी तरीके से इसको कनेक्शन करनी होती है। और यहाँ से हम इन्वर्टर की सप्लाई लेंगे और यहाँ पे सबसे पहले हम TV पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहीं से टैपिंग लेके अपने स्विच बोर्ड में हम अपनी न्यूट्रल सप्लाई को भी ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फैन को कंट्रोल करना है अपने इन्वर्टर के थ्रू। तो यहाँ पे ठीक है, अब यहाँ पे हम इसी तरह से ऊपर वाले स्विच में भी हम सप्लाई दे देंगे और यहाँ पे रेगुलेटर के थ्रू होते हुए यहाँ पे हम सीधा अपने जो फैन है फैन पे हम अपनी इन्वर्टर की वायरिंग हम यहाँ पे पहुँचा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने देख रहे होंगे यहाँ पे 5वें स्विच से हम क्या करेंगे, कंट्रोल अपनी कंसील लाइट की, यानी जो सीलिंग की कंसील लाइट है इसको हम कंट्रोल करेंगे। ठीक है, और एक स्विच जो लास्ट स्विच है इससे भी हम अपनी कंसील लाइट को कंट्रोल करेंगे। तो कुछ इस तरह से ये मतलब वायरिंग था। कैसा लगा आपको ये वायरिंग जरूर बताइएगा मुझे वीडियो सेक्शन में। ये एक लिविंग सेक्शन के ऊपर जो मैंने बताया था वायरिंग, एक 12 मॉड्यूल बॉक्स को लेके कैसे कैसे आप घर पे वायरिंग कर सकते हैं, कितनी लाइटनिंग को प्रोवाइड कर सकते हैं, वो सारी इस वीडियो पे मैंने कवर करा। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। और कैसा लगा ये वीडियो एनिमेटेड टाइप, अगर आप हमारे चैनल पर कंटिन्यू चाहते हैं प्लीज़ कॉमेंट और